नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट का यह दूसरा वीडियो है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 20 तक देख चुके थे, अब आगे प्रश्न नंबर 21 से हम कंटिन्यू करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, गांधी जी के शिक्षण विधि का उल्लेख कीजिए। शिक्षण विधि में गांधी जी महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते थे। इस परिवर्तन की दिशा में वे पहली बात यह चाहते थे कि शिक्षण का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात वे यह चाहते थे कि शिक्षण पुस्तकीय ना होकर क्राफ्ट केंद्रित हो। क्राफ्ट को वे केवल मनोरंजन का साधन ना मानकर चरित्र निर्माण का भी साधन मानते थे। इस क्राफ्ट केंद्रित शिक्षा के द्वारा वे बालकों को हाथों की शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 22, प्राचीनतम काल में शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम था। प्राचीन भारत में पाठ्यक्रम का नियोजन इस प्रकार से था कि बालक परिवार में रहकर वर्णमाला सीखता था। इसके बाद वह प्राथमिक विद्यालय में शब्द विद्या सीखता था, जहां उसे व्याकरण का बोध भी कराया जाता था। इसके पश्चात जब व्याकरण के अध्ययन तथा साहित्य और भाषा में आवश्यक ज्ञान वह प्राप्त कर लेता था तो उसे तर्क सिखाया जाता था और उसे शिल्प विद्या दी जाती थी। इस प्रकार उसमें तार्किक शक्ति, सौंदर्यानुभूति, वस्तुएँ निर्माण करने की व्यवहारिक कुशलता तथा फुडौल कर्म, आनुपातिक क्रम तथा वस्तुओं की रचना में सौंदर्य का ज्ञान हो जाता था। इस प्रकार की समान शिक्षा के पश्चात इसे कुछ वृत्तिक एवं तकनीकी विषय जैसे चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, अर्थशास्त्र इत्यादि सिखाए जाते थे। अब प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। महर्षि अरविंदो ने शिक्षा के उद्देश्य के विषय में क्या विचार दिए हैं। महर्षि अरविंद शिक्षा का मूल आदर्श विकास की चरम सीमा पर पहुंचना अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मानव को इस योग्य बनाना कि अति मानव तक वह विकसित हो सके। प्रश्न नंबर 24, मूल्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। मूल्य को संस्कृत भाषा में ईष्ट शब्द से संबोधित किया जाता है। ईष्ट का अभिप्राय है वह जो कि इच्छित है। इस प्रकार मूल्य वह मानदंड हैं जिनके द्वारा लक्ष्य को चुना जाता है। दूसरे शब्दों में लक्ष्यों के चुनाव में सहायक मानदंड ही मूल्य है। फिलिंग के शब्दों में कहें तो मूल्य वह प्रमापीकृत मानक है जिससे व्यक्ति अपनी रुचियों से प्रभावित होता है और अपने प्रत्यक्षीकरण के अनुरूप विभिन्न क्रियाओं का चयन करता है। पर्सी ने लिखा है, किसी व्यक्ति के लिए वह रुचिकर वस्तुएँ मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में ऐक के संबंध स्थापित हो जाता है। प्रश्न नंबर 25, जनतंत्र और शिक्षा से आप क्या समझते हैं। जनतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। जनतंत्र में शासन प्रजा के हाथ में होता है और जनता प्रशासन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि जनता शिक्षित नहीं होगी तो वह अपने जनमत के अधिकार का उपयोग ठीक से नहीं कर पाएगी। वह स्वतंत्र निर्णय लेकर विवेक और तर्क के आधार पर अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव तभी कर सकती है जब वह शिक्षित और नागरिकता के गुणों से युक्त हो। यदि चुने गए प्रतिनिधि जनता के हित में काम करते हैं तो वह पुनः चुने जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें हटाकर दूसरे प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है। उपयुक्त व्यक्तियों के चुनाव से जनता के हितों की रक्षा तो होती ही है, समाज को नैतिक संबल प्राप्त होता है और राष्ट्र की समृद्धि होती है। यदि जनता चरित्रहीन, अनैतिक, अशिक्षित होगी तो उसके प्रतिनिधि भी वैसे ही होंगे। ऐसे लोग शासन को जनहित में चलाने के योग्य नहीं होते, इसलिए जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जनता का प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए देश में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, शिक्षा और दर्शन के संबंधों का वर्णन कीजिए। शिक्षा और दर्शन का संबंध, नंबर एक, दर्शन शिक्षा का ही सिद्धांत है। दर्शन सैद्धांतिक एवं विचार मूलक है तथा शिक्षा व्यवहार मूलक है। दर्शन शिक्षा का पूरक है। दर्शन शिक्षा की अमूल्य सहायता करता है। शिक्षा एक आधार दर्शन भी होता है। दर्शन और शिक्षा का संबंध आत्म अर्थात सेल्फ और मूल्यों से है। शिक्षा विभिन्न ढंग से दर्शन से संबंधित है। दोनों जीवन के अभिन्न अंग हैं। दर्शन शिक्षा का मार्गदर्शक है, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, पूरक हैं दोनों एक दूसरे के। प्रश्न नंबर 27, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा का स्वरूप बताइए। आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य में धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर एक,
प्रातःकालीन प्रार्थना से ही शिक्षण कार्य आरंभ किया जाना चाहिए। नंबर दो, ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवनियों को छात्रों की पाठ्य पुस्तकों में स्थान देना चाहिए। नंबर तीन, पुस्तकालय में महापुरुषों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को रखना तथा उन्हें छात्रों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। नंबर चार, वाचनालय में धार्मिक पत्रिकाएँ एवं ज्ञानवर्धन पुस्तकें मंगवाना। नंबर पाँच, विद्यालय में धार्मिक परीक्षाओं का आयोजन करना और छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। नंबर छः, विद्यालय में धार्मिक भाषणों का आयोजन करना। नंबर सात, धार्मिक पर्वों धर्मों से संबंधित महापुरुषों की जयंतियाँ मनाना। नंबर आठ, धार्मिक अभिनयों के आयोजन में विद्यालय को समय देना। नंबर नौ, विद्यालय में श्रमदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य लोक कल्याणकारी तथा मनोरंजन से संबंधित कार्यों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। नंबर दस, समाज सेवा एवं कल्याण से संबंधित कार्यों में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। नंबर ग्यारह, बालचर एवं सैनिक शिक्षा का विद्यालय में आयोजन करना। नंबर बारह, छात्रों को धार्मिक यात्राओं का अवसर देना। तेरह नंबर, चरित्रवान एवं अनुशासित छात्रों को विशिष्ट पुरस्कार प्रदान करना। फोर्टीन नंबर, विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ बनाने का प्रयास करना। अब खंडवा है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिसका पहला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है? तो शिक्षा दर्शन की आवश्यकता निम्न दृष्टिकोणों से अनुभव की जाती है। नंबर एक, दर्शन शिक्षा को आधार प्रदान करता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। नंबर दो, शिक्षा दर्शन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियाँ, विश्लेषण इत्यादि सभी दर्शन के विषय हैं। नंबर तीन, प्रत्येक शिक्षक का अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण का प्रभाव बालकों के दृष्टिकोण पर भी पड़ता है। बालकों के प्रति शिक्षक की भूमिका, कर्तव्यों एवं कार्यों का विवरण तैयार करने में शिक्षा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। नंबर चार, शिक्षा संबंधी समस्याओं को हल करने में शिक्षा दर्शन की सहायता करता है। शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, शिक्षा के पाठ्यक्रम का समाज और राष्ट्र की दृष्टि से विकास करना एवं शिक्षण विधियों एवं उसकी उपादेयता एवं प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करना, ये सब शिक्षा दर्शन के कार्य हैं। नंबर पाँच, शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं का उचित प्रबंधन एवं प्रशासन के स्वरूप को विकसित किया जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता का सभी अनुभव करते हैं, क्योंकि शिक्षा दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष माना जाता है तथा यह दर्शन सिद्धांतों की व्याख्या भी करता है। यह सिद्धांत शिक्षा की ही देन होते हैं। शिक्षा में अभ्यास एवं व्यवहार से भी सिद्धांतों का निर्माण होता है। शिक्षा की व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष का प्रेरणा स्रोत शिक्षा दर्शन ही है। यही कारण है कि आधुनिक युग में शिक्षा दर्शन के अध्ययन की विशेष आवश्यकता है। प्रश्न संख्या दो, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर एक, व्यक्तित्व का उच्चतम विकास या आत्मानुभूति। आदर्शवाद में मानव व्यक्तित्व को सर्वोच्च तथा सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय कृति माना गया है, इसलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्तित्व का उच्चतम विकास अथवा स्वानुभूति है। दूसरे शब्दों में, व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास स्वानुभूति है। आदर्शवादियों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य यही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने और उसकी अनुभूति कर सके। रॉल्फ और रस्क के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति है। रॉल्फ का कहना है, आदर्शवाद से विशेष रूप से संबंधित शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति, अर्थात आत्म की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं को वास्तविक रूप देना। आदर्शवादियों के अनुसार आत्मानुभूति की चरमावस्था में व्यक्ति को सत्यम, शिवम तथा सुंदरम की अनुभूति होनी चाहिए। नंबर दो, आध्यात्मिक विकास। आदर्शवाद आध्यात्मिक पूर्णता अथवा आत्मानुभूति को ही व्यक्ति का पूर्ण विकास मानता है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य बालकों का आध्यात्मिक विकास करना है और इसके अनुकूल ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। रस्क महोदय के अनुसार शिक्षा मानव समाज को इस योग्य बनाए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिक से अधिक पूर्णता सहित प्रवेश कर सके तथा आध्यात्मिक जगत की सीमाओं का विस्तार भी कर सके। नंबर तीन, अमर आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम एवं सुंदरम मानव जाति के आध्यात्मिक आदर्श हैं एवं जीवन के शाश्वत मूल्य हैं।
अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो मनुष्यों को इन मूल्यों की प्राप्ति में सहायक हो। इन आदर्शों के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर मस्तिष्क सत्य को जानता है और असत्य से दूर रहता है, सुंदरता का अनुभव करता है और असुंदरता से दूर रहता है, अच्छाई का संकल्प करता है और बुराई से दूर रहता है। रस्क के अनुसार हम शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास अथवा समृद्धि मान सकते हैं, जिसका विशिष्ट लक्षण सार्वभौम मूल्यों को आत्मसात करना है। नंबर 4, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि है। सांस्कृतिक संपदा की संरक्षा और विकास में सहयोग देकर ही व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति हस्तांतरित करता है। रस्क के अनुसार शिक्षा को मानव जाति को इस योग बनाना चाहिए कि वह अपनी संस्कृति की सहायता से आध्यात्मिक जगत में अधिकाधिक पूर्णता से प्रवेश कर सके और आध्यात्मिक जगत की सीमाओं को विस्तीर्ण बना सके। नंबर 5, बालक का बौद्धिक विकास। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की बुद्धि एवं विवेक उसके सभी आदर्शों तथा आध्यात्मिक चेतनाओं का आधार होता है। कांट ने भी बौद्धिक विकास को प्राथमिकता दी है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य बालक का बौद्धिक विकास होना चाहिए, तभी वह अपनी बौद्धिक क्षमता व विवेकशीलता के द्वारा इन नियमों व सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। एडम्स के शब्दों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की बुद्धि एवं विवेक को विकसित करना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह भौतिक संसार ही सत्य है। नंबर 2, ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। नंबर 3, मनुष्य संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। नंबर 4, प्रकृति अंतिम सत्य या वास्तविकता है। नंबर 5, ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। नंबर 6, इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। नंबर 7, प्रकृतिवाद में धर्म व ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। नंबर 8, मस्तिष्क की क्रियाफल ही अनुभव है। नंबर 9, प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है, समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है। नंबर 10, मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। नंबर 11, प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय है, यानी प्रकृति का जो नियम है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अपरिवर्तनीय है। नंबर 12, वास्तविकता की व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञानों द्वारा की जा सकती है। नंबर 13, संसार का कर्ता या कारण दोनों स्वयं प्रकृति है। नंबर 14, प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। नंबर 15, प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। नंबर 16, प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह सभ्यता एवं संस्कृति के चक्कर में पड़कर प्रकृति से दूर हो गया है। नंबर 17, इनके अनुसार राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, वास्तविक प्रश्न नंबर 4, यथार्थवादी शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। यथार्थवादियों ने शिक्षण विधियों के संबंध में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है, क्योंकि विभिन्न यथार्थवादियों ने भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है जिनके द्वारा बालक सहजता से ज्ञानार्जन कर सके। नंबर 1, आगमन विधि। फ्रांसिस बेकन ने आगमन विधि को प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, आगमन विधि को किसने प्रारंभ किया था? फ्रांसिस बेकन ने। इस विधि में बालक को पहले वस्तु का अवलोकन कराया जाता है, बाद में शब्द का ज्ञान कराया जाता है। इसमें बालकों को स्वयं निरीक्षण, परीक्षण, निर्णय द्वारा सीखने का अवसर मिलता है। इसने शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग पर बल दिया है। ठीक है, देखो सुनो। नंबर 2, ज्ञानेन्द्रिय प्रशिक्षण। कमेनियस ने बालकों की शिक्षा में ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया था और शिक्षण विधि के संबंध में अनेक नियम प्रतिपादित किए थे जिनका उपयोग आज भी हो रहा है। कमेनियस का कथन है, हम ज्ञानेन्द्रियों, बुद्धि तथा दैवीय प्रकाशन के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। नंबर 3, भ्रमण विधि। मिल्टन वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान कराने का समर्थक था, इसी कारण उसने युवकों की शिक्षा में भ्रमण या सरस्वती यात्राओं को विशेष महत्व दिया। उसका मत था कि इसके द्वारा दृष्टिकोण की संकीर्णता को दूर करके उसको विस्तृत बनाया जा सकता है। नंबर 4, अभ्यास विधि। जॉन लॉक ने शिक्षण विधियों के लिए क्रिया, अभ्यास, व्यवहारिकता, भ्रमण एवं स्थूल सामग्री के उपयोग पर विशेष बल दिया। किसने? जॉन लॉक ने। नंबर 5, सरल से जटिल की ओर। स्पेंसर ने शिक्षण विधि में सरल से जटिल की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र का प्रतिपादन किया। नंबर 6, स्थूल से
सूक्ष्म की ओर, नंबर 7 निश्चित से अनिश्चित की ओर, नंबर 8 अनुभवजन्य ज्ञान से तर्क की ओर, नंबर 9 प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, नंबर 10 स्वशिक्षा एवं आत्मविश्वास पर बल। ठीक है, ये कुछ विधियाँ थीं। प्रश्न संख्या 20 सॉरी प्रश्न नंबर 5, श्री अरविंद का शिक्षा में मुख्य योगदान बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में श्री अरविंद ने केवल अपने बहुमूल्य विचारों का ही नहीं वरन व्यवहारिक योगदान भी दिया है। श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन पर उनके विचार दर्शन का प्रभाव रहा और उनके जीवन दर्शन पर वेद, उपनिषद एवं गीता का सर्वाधिक प्रभाव है। इस तरह उनके अनुसार जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है, दिव्य शक्ति का विकास है जो कि अति मनस का विकास कर सुपरमैन बनाता है। इस दृष्टि से उनका जीवन दर्शन आध्यात्मिक ही है, आदर्शवादी है और परिणामतः उनके शिक्षा उद्देश्य भी आदर्शवादी हैं। किंतु जहाँ तक शिक्षा पद्धति का प्रश्न है, उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया, बालक के स्वयं सीखने पर बल दिया, उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षा पर बल दिया, शिक्षक को केवल मार्गदर्शक व सहायक माना है। इन सब दृष्टियों से वे प्रकृतिवादियों एवं प्रायोजनवादियों जैसे लगते हैं, लेकिन सही स्थिति यह है कि श्री अरविंद उपनिषदीय शिक्षा के प्रतिपादक थे। उनके शिक्षा प्रणाली में योग का प्रबल प्रभाव गीता के प्रभाव के परिणाम स्वरूप है। अतः उनकी शिक्षा प्रणाली को उस भारतीय शिक्षा प्रणाली की संज्ञा देंगे जिसका मूल उपनिषद एवं गीता में है, किंतु जिसका विकास वे वर्तमान भारतीय वातावरण में करना चाहते थे। वे प्रचलित शिक्षा पद्धति के घोर विरोधी थे। वे सूचना व तथ्यों के ग्रहण को शिक्षा नहीं मानते थे। उनकी दृष्टि से 3 R's 3 R के शिक्षा नहीं है। शिक्षा में शिक्षक द्वारा ज्ञान थोपने का उन्होंने डटकर विरोध किया। ठीक है, थोपने का उन्होंने शिक्षा पर शिक्षा में शिक्षक द्वारा ज्ञान थोपने का उन्होंने डटकर विरोध किया। वह चाहते थे कि बालक स्वतंत्र वातावरण में अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं सीखते हुए अपने अंदर निहित दिव्य शक्ति को जाने और शिक्षक के मार्गदर्शन में उसका विकास कर वह अति मनस युक्त अति मानव बने। इस तरह श्री अरविंद एक ऐसी भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन करना चाहते थे जिसके द्वारा बालक न केवल इंसान बने बल्कि अपने दिव्य रूप का ज्ञान प्राप्त कर उसका विकास कर सके। ऐसी उच्च आदर्श शिक्षा प्रणाली के प्रवर्तक थे श्री अरविंद। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन के आधार पर अपने आश्रम में विद्यालय स्थापित किया जो कि आज मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है। श्री अरविंद के दर्शन के अनुसार शिक्षा व्यवस्था करने का अपने जीवन काल में पूरा प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 से हम नेक्स्ट